हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनीष मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टेस्ट डिस्कशन, मॉक टेस्ट नंबर 17 का। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही अटेम्प्ट दिए होंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ। आइए चलते हैं स्लाइड्स पर। क्वेश्चन कह रहा है 76 एंड 77 के लिए डायरेक्शंस हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस में चार पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। ए बी सी में आपको एरर चेक करनी है, अगर तीनों में कहीं एरर नहीं लगती है तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा, विच इज नो एरर। तो स्पॉट द एरर पे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76 में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है। आपको जब कभी भी कोई नाउन इस तरीके से दिया हुआ हो, सिस्टर डैश इन डैश लॉज, इसका मतलब ये एक कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपाउंड नाउन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट्स आते हैं। प्लूरल बनाने के लिए आपको चेक करना है कि प्राइमरी नाउन कौन सा है। तो प्राइमरी नाउन है सिस्टर, लॉज प्राइमरी नाउन नहीं है, तो गलती यहीं पर है। सही जवाब हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। तो सिंगुलर और प्लूरल पे एरर थी कंपाउंड नाउन के, और सही पार्ट जो है आपका यहाँ पे जो आपको एरर फाइंड आउट करनी है वो आपकी बी में एरर है। नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है ड्यू टू मी बीइंग न्यू, सेकंड पार्ट कहता है टू द सिटी आई हैड, थर्ड पार्ट कहता है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब, और फिर फोर्थ पार्ट नो एरर दे रखा है। देखिए ध्यान रखिएगा, ड्यू टू का इस्तेमाल अगर आप कभी भी करना चाहते हैं तो ड्यू टू रीजन बताने के लिए लगता है, और ड्यू टू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पास पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ चुकी है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग ड्यू टू लगाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत ड्यू टू से ही हो रही है, गलती यहीं पर ही है। मेंस लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ड्यू टू की जगह आप लगाइए कारणवश ओइंग टू, हमारी गलती ए पार्ट में है, ये सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शंस कहती हैं फॉर क्वेश्चन 78 to 80, in each of the following questions sentences are given with blanks to be filled in with appropriate word या words. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. Sentence improvement, sentence correction पर questions आएंगे। चलिए बढ़ते हैं question number 78 कहता है the department has dash complaint against Mr. Bakshi. Department में complaint एक्सप्रेस रजिस्टर्ड इन्फॉर्म्ड और नोटेड। देखिए सबको पता है जब हम कंप्लेंट करते हैं तो उसको लिखा जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है विच इज नोन एज कंप्लेंट रजिस्टर। तो यहाँ पर इजीएस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विच इज रजिस्टर्ड, द डिपार्टमेंट हैज रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ही हैज अ डैश इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है उसको हम एक वर्ड से डिफाइन करते हैं जिसको एक वर्ड है कीन, KEEN। तो कीन एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है हमारे इंटरेस्ट को, तो कीन के लिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है और वो वर्ड है डीप। ही हैज अ डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। वाइड इंटरेस्ट नहीं हो सकता, वाइड सिनेरियोज होते हैं, वाइड सिलेबस होता है, वास्ट भी होता है, हैवी होता है, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कीन को रिप्लेस करके अगर आप चलते हैं तो डीप आएगा आपके पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है द रॉबर्स फेल अमंगस्ट देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द लूट। देखिए वो कह रहा है रॉबर्स आपस में क्या हो गए थे माल बांटने को लेकर के, आपस में वो लोग खींचतानी करने लगे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपस में डिवाइड होकर के चल रहे थे, तो फेल आउट का मतलब होता है अलग अलग पड़ जाना, सब अपनी अपनी राय देना, एक साथ सपोर्ट ना करना, डिवाइड होना, बाइफरकेट होना। तो फेल आउट ए पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए डायरेक्शंस हैं।
81 and 82 के लिए आउट ऑफ द फोर alternatives, चूज द वन विच बेस्ट expresses द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो questions हैं 81 एंड 82, ये synonyms आपको बताने हैं. सल्की, सल्की के देखिए आपके पास चार वर्ड दिए हुए, एक दिया हुआ है सॉफ्ट, एक दिया हुआ है ट्रस्टफुल, एक दिया हुआ है हैप्पी और एक दिया हुआ है डिसमल. सल्की की अगर बात की जाए तो इल इफेक्टिव, निराशाजनक, ग्लूमी, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं. तो यहाँ पर सॉफ्ट ऑपोजिट हो गया, ट्रस्टफुल ऑपोजिट हो गया, हैप्पी भी ऑपोजिट हो गया, तो एक ही वर्ड ऐसा मिल रहा है जो उसके सिनोनिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है डिसमल. करेक्ट वर्ड होता है डिसमे, डिसमे का मतलब हताशा, तो डिसमल पे हम जाएंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 82 कहता है कार्डिनल, आपने नंबर्स पढ़े होंगे कार्डिनल. कार्डिनल एक एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है जिसका मतलब होता है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता. तो कार्डिनल का मतलब होता है असेंशियल, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर कार्डिनल. डायरेक्शंस पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84 के लिए. आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. अब आपको ऑपोजिट बताना है. देखिए लॉन्च सबसे पहले पूछा गया, लॉन्च करते हैं रॉकेट्स वगैरह के बारे में हमने ज्यादातर पढ़ा होगा, बट लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज को इनिशिएट करना. लॉन्च प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनिशिएट करने के लिए लॉन्च में देखिए कास्ट करना सिनोनिम हो जाएगा उसका, इजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब भी होता है टू बिगिन करना. बस एक चीज है जो यहाँ पे ऑपोजिट चल रही है, वो है होल्ड. किसी चीज की लॉन्च हो रही है आप उसे रोक दें, रोकथाम कर दें, तो होल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. सी को आप लोग टिक लगाएंगे. 84 कहता है डैम्पन. डैम्पन के दो मतलब होते हैं. पहला मतलब होता है डैम्पन का कि किसी के प्रभाव को खत्म कर देना, इफेक्ट ना रहे, और दूसरा होता है वेट कर देना. तो यहां पर जो डैम्पन यूज हुआ है, पहली चीज आपको बता देते हैं कि डैम्पन जो आप यूज करके चल रहे हैं वो वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है भिगो देना, हल्का सा गीला कर देना. तो डैम्पन का ऑपोजिट जो आएगा वो ड्राई लगाएंगे आप लोग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86 के लिए. डायरेक्शंस कहती हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम और अ फ्रेज, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और अ फ्रेज. आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन देखते हैं. 85 लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इन अ नटशेल. कई बार आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो आपसे कहते हैं यार बस टू द पॉइंट बता दो क्या है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस्ट पे बात हो रही है, नटशेल पे बात हो रही है, और जिस्ट और नटशेल के लिए एक ऑप्शन आपका सही जा रहा है और वो है द समरी ऑफ द मैटर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कहता है प्ले हवॉइक. हवॉइक का मतलब डिजास्टर, डेंजरस. हवॉइक का मतलब, इसका मतलब किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, तो टू वर्सन द सिचुएशन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86. सही जवाब. आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 एंड 88. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो आर गिवन द ऑल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट, ए बी सी एंड डी. इसका मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चन आए हैं, आपको एक पार्ट में बोल्ड करके दिया हुआ है, उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं, आपको चेक करना है, एथिक्स लगाने हैं कि कौन सा पार्ट रिप्लेस करेगा. आइए क्वेश्चन चेक करते हैं. 87 कहता है देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड. देखिए सब लोगों को पता है, एक बात सब लोगों ने देखी होगी, सबको याद है कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और उस नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट नहीं लगता. बिल्कुल सही है. अब फंसे कहाँ बच्चे, फंसे ना यहाँ पर है, आप ये देखिए नॉट भी किस पे लगता है, नॉट भी लगता है किसी ऑक्सिलरी वर्ब पे. इसका मतलब हमें डू भी नहीं चाहिए और नॉट भी नहीं चाहिए. अगर आप दोनों ऑप्शन यहाँ से खत्म कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ बचता है अनलेस यू वर्क, और वो पहला वाला ऑप्शन है जो आपका सही जवाब है. गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर 88 क्वेश्चन कहता है नो वन एंजॉयज टू डिसीव हिज फैमिली. नो वन, कोई भी एंजॉय नहीं करता. क्या डिसीव मतलब चीटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिसीविंग हम लगा करके चलेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 89 के लिए एंड 90 के लिए डायरेक्शंस हैं. फोर वर्ड्स आर गिवन इन ईच ग्रुप. वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. स्पेलिंग टेस्ट है आप लोगों का. करेक्ट स्पेलिंग देखिए, वैरायटी याद रखिए, वी ए आर आई ई टी वाई से होता है, तो वैरायटी से ही वेरीगेटेड बना है. वी ए आर आई ई जी ए टी ई डी ये करेक्ट स्पेलिंग होती है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दूसरा, बहुत सारे लोग इसको हेट्रोजीनियस 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 बोलते हैं. अगर आप करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे तो आपको सही स्पेलिंग मिल जाएगी. इसे बोला जाता है हेटेरो. तो हेटेरो की स्पेलिंग हो गई एच ई टी ई आर ओ एंड जी ई एन ई ओ यू एस. तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर डी. तो डी स्पेलिंग वेरी गुड, सही है यहाँ पर. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 91 एंड 92. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. अब आपको अरेंजमेंट करना है, शफलिंग दी हुई है, आपको सीक्वेंस अरेंज करना है. क्वेश्चन 91 कहता है, देखिए द फर्स्ट क्लू, किस चीज का क्लू? मुद्दा नहीं मिला आपको. द फर्स्ट क्लू, अगर आप वर्ब लगा देते हैं लाइज इन द ओरिजिन, तो फिर आप लगा देंगे द स्मार्ट सिटी और लास्ट में चला जाएगा पी, तो ऐसा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. तो लेकर के चलते हैं. द फर्स्ट क्लू टू द नेचर, नेचर के लिए ऑफ दिस एजेंडा, इस एजेंडे का, लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ. तो अगर देखा जाए तो जो आपको पी क्यू आर में दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, उसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है. तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी और करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा पी क्यू आर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 92. वन ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च. देखिए यहां पर भी लॉन्च का जिक्र हो रहा है, एक ऑफिशियल लॉन्च होने के एक साल बाद. अब अगर आप ऑफिशियल लॉन्च हो गया, अब आप देखिए दो सेंटेंसेस आपके हैं जो वर्ब से शुरू हो रहे हैं, एक हैज से और एक हैव से. आप कैसे लगाएंगे हैज, किसके लिए लगाएंगे हैव, क्योंकि वहां पे तो कॉमा लगा रखा है. कॉमा के बाद जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब कैसे लगा सकते हैं? तो आपके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट बन जाएगा वाइल एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस में एस लगा हुआ है, प्लूरल है. अगर प्लूरल है तो एक्सपेक्टेशंस को कलेक्ट करिए हैव के साथ, तो पी से चलेंगे. हैव बीन स्केल्ड डाउन, यहाँ पे कॉमा फिर से लगा. द रेटोरिक, रेटोरिक आईसी पे खत्म हो रहा है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हैज लार्जली स्केप पे खत्म करिए, तो आप पी से शुरू करेंगे, आर पे मूव करके क्यू पे चले जाएंगे, तो पी आर क्यू सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 93 के लिए डायरेक्शन कह रही है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. यानी ये question active passive पर आपको solve करना है. आइए देखते हैं question क्या है. Question है, a man will read his script at the Mahurat ceremony. देखिए clubbing कर लेते हैं फटाफट. man subject हो गया, विल और रीड ऑक्सिलरी और मेन वर्ब हो गई. क्या रीड करने वाला है? तो जवाब आ रहा है स्क्रिप्ट रीड करेगा. कहां रीड करेगा? उसका जवाब है एट द मुहूर्त सेरेमनी. तो एट द मुहूर्त सेरेमनी ये प्लेस के बारे में बता रहा है, एक फ्रेज है. और अगर हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से, शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्क्रिप्ट. तो अब ऑप्शन देखते हैं स्क्रिप्ट से क्या हो गया. एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट विल बी रेड बाय अमन. यहां पर अमन दिया हुआ है गलती से, इसको अमैन कर लीजिएगा. एट द मुहूर्त सेरेमनी यही सही जवाब है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डी अगर आप जा रहे थे तो स्क्रिप्ट रीडिंग विल टेक प्लेस, यहां पे वर्ब को ही बदल दिया गया है, यहां पे टेक को वर्ब लेकर के चले आए हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डायरेक्शंस कहती हैं क्वेश्चन नंबर 94 और 95 के लिए, या सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट बनाएंगे. आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को. 94 कहता है ही सेड. ओके सेड लगा हुआ है. अनीता वॉन्ट्स टू टेक अप अ जॉब वाइल हर ब्रदर वॉन्ट्स
हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सेड दी हुई है, पास्ट दी हुई है, तो अंदर का टाइम चेंज करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं ऑप्शंस में। ही सेड दैट अनीता वांटेड, ठीक है, यहां पर चेंज किया टाइम को और दूसरे वाले पार्ट में भी वांटेड लगाया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे अगर आप जाएं तो अनीता के बाद वांट्स ही कर रखा है, तो ये वाला जवाब गलत है। तो सही जवाब आपका ए है, करेक्ट ऑप्शन। क्यों है उसका रीजन, बाहर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट मिल रही है तो अंदर का टाइम चेंज करेंगे, तो जब वांट्स मिल रहा है दोनों ही जगहों पर तो आप वांट्स की जगह वांटेड पे चले जाएंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ही सेड, फिर से सेड दिया हुआ है, पास्ट दिया हुआ है बाहर, मेघना, उसके बाद कॉमा दे दिया, इसका मतलब मेघना जो है वो ऑब्जेक्ट है जिससे वो बात हो रही है। Do you want to buy a house in Delhi? यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम कैसे, टोल्ड तो जाएंगे नहीं, asked पे जाएंगे, ही asked। अब देखो बी ऑप्शन में दैट तुरंत लगा दिया और आपको पता है जब asked आता है तो दैट कभी नहीं आ सकता, तो बी तो स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा। सी और डी पे चलते हैं। ही asked मेघना इफ शी Want to buy या wanted to buy? अगर आप ऊपर देखें तो do लगा हुआ है, यानी present time दिया हुआ है, बाहर past दिया हुआ है, तो अंदर का time change करेंगे तो wanted वाला option सही हो जाएगा। D is the correct option। आइए next question पे चलते हैं। 96 to 100। In the following questions you have a brief passage with 5 questions following. Read the passage carefully, okay? इसका मतलब आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज रीड करने के बाद आप उन 5 क्वेश्चंस पे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग स्किल्स आप आंसर करेंगे। सो दिस इज द पैसेज, ओके। द पैसेज है आपके लिए, द बर्ड लाइफ ऑफ द थराई रीजन इज मच द सेम एज दैट फाउंड इन द मालाबार कोस्ट एंड असम। यानी कि तराई रीजन की बात हो रही है और उसमें भी बात हो रही है बर्ड लाइफ की। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हॉर्नबिल, बारबेट्स, फ्रूट पिजन्स, बुलबुल्स एंड वुडपेकर्स। इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, क्वेश्चन आ जा सकता है। अलोंग द कल्टिवेटेड एरियाज एंड ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स ऑफ द इंडियन प्लेन्स एंड मैनी वेडिंग बर्ड्स। बाहर से इन्वेड करना आपने पढ़ा ना, इन्वेड करना, किसी को जीत लेना, तो वेडिंग बर्ड्स एंड वाटर फाउल्स स्पेंड द विंटर अमंग इट्स स्ट्रीम्स एंड मार्शेस। द कोल्ड सीजन, खास ध्यान देने वाली बात, द कोल्ड सीजन स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है, द माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम तिब्बत सच एज वाइल्ड डक्स एंड क्रेन्स विच ब्रीड इन द माउंटेन्स, माउंटेन में ही ब्रीडिंग करते हैं, एंड डिसेंड टू द प्लेन्स फॉर अ ब्रीफ चेंज, और वो प्लेन की तरफ वापस लौट के आते हैं। द सेंट्रल रीजन, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल रीजन, अभी हम जो बात कर रहे थे वो तराई रीजन पे बात कर रहे थे। द सेंट्रल रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्लस्टरस स्पेस, क्लस्टर है, ग्रुप है, ऑफ माउंटेन्स वेरिंग इन एलिवेशन फ्रॉम 4,000 टू 10,000 फीट विद अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 10 टू 12 डिग्रीज लोअर देन द तराई रीजन। तो अगर तराई रीजन में कोई टेम्परेचर है तो जो सेंट्रल रीजन होगा वो देखिए कितना वेरी करता है, 10 से 12 डिग्री कम होता है। जिसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, इट इंक्लूड्स द महाभारत रेंज ऑफ माउंटेन्स विच राइज टू 8,000 फीट टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस बैरियर अक्रॉस नेपाल, नेपाल के लिए बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट इंटरवेल्स, थोड़े थोड़े उस पे। दिस माउंटेन वॉल इज पियर्स्ड बाय द गॉर्जेस ऑफ द ट्रांसवर्स रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स हैं जिसके आने जाने से ये दखल पड़ती है, वो हैं 7 कोसीज, जिनको हम कह सकते हैं 7 गंडक्स, और द नोबल रिवर करनाली, जिनके आवागमन की वजह से ये जो बैरियर है इसमें थोड़ा सा पियर्स मतलब छेद हो जाता है जिससे वो पानी इधर से उधर चला जाता है। कौन कौन से एरियाज हैं, हिमालयन चेल, देयर आर मैनी पॉपुलस वैलीज, कौन कौन सी वैलीज हैं, डुमजा, काठमांडू, पोखरा एंड मैनी अदर्स वर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड।
द फॉनो ऑफ दिस सेंट्रल जोन का फॉना कैसा है, इज कैरेक्टरिस्टिकली हिमालयन. मैनी ऑफ द स्पीशीज अकरिंग इन दिस रीजन आर पिक्यूलियर टू नेपाल अलोन, सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लिए. सच एनिमल्स कौन कौन से हैं इसमें, द फेरेट, बैजर, रकून, क्रेस्कलेस, पॉर्क्यूपिन, ये सारे हैं. डू नॉट अकर इन द इंडियन पेनिनसुला, और ये सब इंडियन पेनिनसुला में नहीं अवेलेबल होते. द होल जेनेरा, जेनेरा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ जेनरेशन ऑफ सच बर्ड्स, कौन कौन सी, यूहिना, सिवा, मिनला, इग्जुलू, आर नियरली इफ नॉट होली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन. द मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स अकरिंग इन दिस जोन आर प्योरली हिमालयन स्पीशीज. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह की बात हुई, एक तराई रीजन की बात हुई है और फिर एक सेंट्रल रीजन की बात हुई है. तराई रीजन का टेम्परेचर जो है, सेंट्रल रीजन का टेम्परेचर हमेशा 10 से 12 डिग्री कम होगा उससे. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने ट्रेस आउट किए. तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं. 96 क्वेश्चन कह रहा है, वॉट डज द कोल्ड सीजन स्टिमुलेट, कोल्ड सीजन क्या स्टिमुलेट करता है. तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कोल्ड सीजन में स्टिमुलेट हो रहा है माइग्रेशन ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वो माइग्रेट करती हैं. तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 97, द सेंट्रल रीजन इज, सेंट्रल रीजन कैसा है हमारा. तो देखिए, सेंट्रल रीजन के बारे में अभी हमने बात करी, क्या क्या है, किस चीज का है, फिल्ड विद मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स, मोर कॉमन फॉर द बर्ड्स ऑफ इंडियन प्लेन्स. ये कुछ ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो आपने एक ऑप्शन पढ़ा था डी ऑप्शन यहां पर, जो कि क्लस्टरस है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है स्पेस ऑफ माउंटेन्स. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है. मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं. पहला कह रहा है द बर्ड लाइफ ऑफ द तराई रीजन इज मच द सेम एज फाउंड इन द मालाबार कोस्ट, ये पहले स्टेटमेंट में वो कह रहा है. दूसरा कह रहा है द सेंट्रल रीजन हैज माउंटेन्स वेरिंग इन एलिवेशन फ्रॉम 8,000 टू 14,000 फीट, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेंट्रल रीजन के माउंटेन्स थे क्लस्टरस थे और जो उनका एलिवेशन साइज था वो 4 से 10,000 फीट था, जबकि यहाँ पे 8 से 14,000 फीट दिया हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया है. तो बी इज द ऑप्शन दैट यू गोइंग टू टिक. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 99 पे बात करते हैं. वो कह रहा है हाउ इज द फुआना ऑफ सेंट्रल जोन. अभी हम लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे थे तो हमने पढ़ा था उसका फुआना किस तरीके का है, हिमालयन. ऑप्शन अगर चेंज करके चलते हैं तो इसमें पहला ही ऑप्शन जा रहा है कैरेक्टराइस्टिकली हिमालयन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 100, द बर्ड लाइफ ऑफ अ तराई रीजन इंक्लूड्स, जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है वहीं पे अगर आप देखें तो इंक्लूड्स के बाद दे रखा है तराई रीजन में कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, इंक्लूड्स हॉर्नबिल, फ्रूट पिजन्स, बुलबुल. तो अगर हम चेक करते हैं इस ऑप्शन में तो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. तो दोस्तों ये रहे हमारे डिस्कशन. तो अगर आप लोग अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं ट्रिक्स के साथ, अप्रोच के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का टॉपर्स हब पे. आप आइए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस को कंडक्ट कीजिए. टिल देन बाय बाय, मिलते हैं जल्द आपसे.